भाई दोस्तों, सुहानी शाम है, लेकिन ये पन्नू आज पता नहीं तसल्ली से बैठे हुए कर क्या रही है। हाँ जी मैडम जी, क्या कर रहे हो? क्या है, आज बड़े मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, 2 मिनट फुर्सत के पल मिले हैं तो उनको एंजॉय कर रहे हैं। सुना है कि क्या देख रही हो? कुछ मेमोरेबल चीज़ देख रही, यादगार देख रही हो क्या? हाँ, क्या देख रही हो? कल गांव होके आए थे अच्छा और अच्छा ट्रेन में ये दर्श था ना, छोड़ नहीं रहा ओहो था मोबाइल पे, दर्श, तो उसको ओके। देख के अच्छा हंसी आ गई है। ये मुझे गाड़ी में बैठाने आया था, दर्श कौन है? ये निका का बेटा। अच्छा, तुम्हारी बहन का बेटा? हाँ जी, तो उसे देख के हंसी आ गई मुझे। ओके 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 ओके। अच्छा एक बात पूछूं हाँ जी पूछिए। कि तुम्हारी शादी मन्नू भाई से कैसे हुई? मेरी शादी बहुत बचपन की, अगर कहानी सुनाई तो बहुत लंबी है। हाँ कैसे? तो क्या ना, ऐसे ही मेरे पापा निकले, कई जगह निकले, देखते रहे और इधर उधर घूमते रहे, हाँ या कहीं अच्छा लगे उनको, पापा को अच्छा लगे तो लड़का नहीं अच्छा लगे, लड़का अच्छा लगे तो पापा को नहीं अच्छा लगे, मतलब कुछ ना कुछ कमियां निकलती ही रहती थी। अच्छा फिर एक लोग हमारे फूफा जी हैं हाँ मैनपुरी क्षेत्र में, हाँ उन्होंने कहा है कि भाई साहब मैं लड़का बताते हैं, हाँ तो पापा ने कहा चलो भाई देख लेते हैं। तुम्हारा बताओ, वो देख लेते हैं। हाँ तुम्हारा ही बताया हुआ देख लेते, क्या पता हमारी बेटी की किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएगा। वो भी फौज में लड़का है, क्यों पहले से भी फौजी में शुरुआत से पापा ने दिए स्टार्टिंग, तो कहीं कुछ नहीं अच्छा लगे, किसी को लड़की नहीं पसंद लगे, तो चलो भाई देखा। देखते देखते लड़के को देखा, ऐसे बात चली, लड़के का तो फोटो मिला था, लड़का तो देखने को नहीं मिला, तो चलो ठीक है। उनके घर आए भाई, देखा तो हमारे दादाजी नहीं, हमारे ससुर जी आए सबसे पहले मुझे देखने के लिए। देख के भाई, ससुर जी या ससुर जी के पापा जी? नहीं, हमारे लड़के के पापा जी आए थे देखने के लिए। अच्छा। हाँ, जब हमने 12th के मेरे पेपर चल रहे थे और वो समय था मार्च का, तो चलो ठीक है। अचानक में आ गए ये करती है ये जरा तुम्हारी मम्मी। तो भाई चलो आगे कहानी बड़ी, देख गए उनको पसंद आया, फिर भाई चलो रिंग सेरेमनी की बात हुई 1-2 महीने बाद, चलो भाई लड़की सही है अच्छी है, गांव की लड़की है भाई, हमने गांव में देखा था शहर नहीं देखा, तो मेरी भी बहुत तमन्ना थी कि भाई देखते हैं शहर और गांव में क्या अंतर होता है। चलो भाई जीवन साथी मिल जाएगा तो अच्छी जिंदगी अच्छी लाइफ कटेगी। सुना है कि आप सोमवार का व्रत रखती हैं, भोले हाँ बाबा तो को बहुत मानती हो, हाँ भोले जी बड़ा का तो पानी चढ़ाया है। बहुत चढ़ाया है और चढ़ाते भी हैं अभी, अच्छा, कि लड़कियां मतलब लड़के सोमवार का ही व्रत क्यों रखती हैं? नहीं अपनी अपनी इच्छा है जो जिसका करे, मैंने तो बचपन से किया और मैं करते चले आ रहे अभी तक, तो सारी इच्छाएं। चलो भाई फिर आगे हुआ, हमारे देवर जी हमें अंगूठी वगैरह सब कुछ, अच्छा आपकी सासू माँ और देवर जी? हाँ मतलब पूरी फैमिली 20-25 लोग गए थे, गाड़ियां 3-4 आई थी, हाँ पर लड़का नहीं आया था। अच्छा, मनु भाई नहीं आए? हाँ जी हाँ, उसका फोटो देख देख के मतलब उसी हाँ से आगे कहानी चल रही थी, लड़के को लड़की के बारे में पता नहीं था, हाँ क्योंकि पहले क्या होता था कि जिसने बड़े ने हाँ कर दी तो छोटा मना नहीं करता था, हाँ भाई, आजकल के अगर बच्चे। पापा ने हाँ कर दी तो हाँ तू जी, तो मना नहीं अब करेगा? पता मन्नू जी ने फोटो देखे होंगे तो कैसे लगे भाई, हाँ उनके बारे में तो नहीं बता सकते हैं, और ना मैं कुछ बोल सकी अपने पापा से, जो हाँ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अच्छा हाँ फिर ये शादी धीरे धीरे टलती रही, मेरी मई में निकली, 20 मई की, हाँ जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन, तो लड़का मना कर रहा मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मुझे कुछ करना है कुछ करना है, पता नहीं वो टल गई बात। अच्छा, वो मतलब मान नहीं रहा था? हाँ तो फिर चलो आगे देखे 2-4 महीने और, फिर फरवरी में डेट निकली, 22 फरवरी की, तब भी आनाकानी हो रही थी, मैंने यही वो कर रखा था ठान ली। हाँ कि शादी करेंगे तो उसी फौजी से करनी है, अच्छा शाबाश, हाँ नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारी कुंवारी। रह जाएंगे। हाँ अच्छा फिर भाई जैसे तैसे शादी हुई, ये कहानी बहुत लंबी है, अभी मेरा खाना बनाना है, अच्छा फिर किसी दिन फुर्सत के पल होंगे, आगे की स्टोरी में आपको सुनाएंगे कि हमारे साथ ओके, तो क्या क्या मतलब हुआ, बाईस हमने एक फरवरी है साल इंतजार किया। हाँ
हाँ मैंने कहा पीछा नहीं छोड़ेंगे, जहाँ होगा वो बंदा फौजी मैं उसके वहीं पहुंच जाएगी। शाबाश। तो मैंने भैया हमने तो 1 साल का 1.5 साल तक इंतजार किया था, ओहो, और ये लेकिन काम करी उसी से। हाँ जी, तो मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी कट रही है, बहुत अच्छा परिवार मतलब है। आपका ये कहना है कि अरेंज मैरिज बढ़िया रहती है। हाँ जी, क्योंकि सभी की मर्जी से होती है, तो कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है, लव मैरिज कर लो भाई, तुम जानो, तो इसलिए। मतलब आपके कहने के हिसाब से कि शादी लव मैरिज बढ़िया रहती है। हाँ जी, क्योंकि ओके। पहले के लोग जैसा कर देते थे वो मतलब सत्य बात होती थी, आजकल के जो है ना बच्चे क्या देख लेते पता नहीं। तो मेरा तो मानना है भैया अपने माँ बाप की इज्जत बना के रखो, माँ बाप का कहना मानो, जैसी करें तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ओके, चलिए आपकी कहानी फिर कभी कभी सुनेंगे, सुनेंगे, बहुत क्योंकि मेरी आप स्टोरियां हैं अभी लाइफ जल्दी में में। हो, हाँ आप अभी जल्दी अब में मैं हो जा रही हूँ खाना रसोई बनाने। में। तो हाँ जी, हाँ जी, बज रहे हैं 9, बच्चे खाना मांग रहे, अब चलते हैं, चलिए बाय। पन्नू मैडम, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके दोस्तों, पन्नू की अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनकी जो है ना बाद बाकी स्टोरी कभी मन्नू पन्नू इकट्ठे होंगे तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। जय हिंद।